हेलो जी, हाउ आर यू? लॉकडाउन से परेशान हो? क्या करे दिन भर, कैसे टाइम पास करे ये समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो, आई एम गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। वैसे मैं कौन हूँ? आई एम ए सीए स्टूडेंट। मेरी ना एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है 2 बार। आजू बैठे मेरे मम्मी पापा को लग रहा है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ रूम में बैठ के। तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि टाइम पास कैसे किया जाता है। आप किसी को मत बताना, क्योंकि मैं तो दिन भर पढ़ाई करती हूँ। एज यू नो, आई स्टडी थ्रू आउट द डे। हाँ ओके। सबसे नंबर वन टाइम पास जो आप कर सकते हो वो है सोशल मीडिया। जी, सुबह उठते ही सोशल मीडिया खोलो। दुनिया भर में क्या चल रहा है इसका ज्ञात तो होना जरूरी है यार गाइस। इतना तो गॉसिप तो पता होनी चाहिए। शर्मा जी क्या कर रहे हैं, वर्मा जी क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, क्वारंटाइन में क्या कर रहे हैं, कौन सा केक बना रही है, क्या रेसिपी है, सब जानना जरूरी है गाइस। एंड उसके साथ साथ आईसीएआई क्या नोटिफिकेशन रिलीज करेगा, क्या एग्जाम वापस पोस्टपोन होगी, कौन सा सर क्या वीडियो डाल रहा है, हर एक चीज की अपडेट भी तो रखना जरूरी है। ये करते करते मेरा आधा दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है सक्सेसफुली। सीरियसली गाइस, क्या मजा आता है मुझे सुबह से टाइम वेस्ट करने में। यार एग्जाम तो पोस्टपोन हो चुकी है, कौन पढ़ाई करेगा? आज पढ़ाई कर लूँ तो कल जाके रोएगा कौन कि यार इतनी सारी पढ़ाई है, दोनों ग्रुप्स देना है, सिंगल ग्रुप देना है, ये एग्जेम्पशन लाना है, वो करना है, वो करना है, कौन रोएगा? और मैं रोऊंगी नहीं तो सीए स्टूडेंट कैसे कहलाऊंगी गाइस। तो इसीलिए आज का टाइम पास तो बनता है गाइस। तो सोशल मीडिया पे आधा दिन में टाइम पास कर लेती हूँ, दोपहर को ना थोड़ा 2 घंटा टेंशन ले लेती हूँ। सुबह से टाइम वेस्ट कर लिया है, ऑफकोर्स थोड़ा टेंशन तो बनता है। तो टेंशन लेते लेते बुक के सामने कुछ और ही सोचती हूँ। बुक बंद करते करते शाम के 5 बज जाती है। देन उसके बाद कैसे टाइम पास किया जाएगा? उसके बाद आता है अपना फैमिली टाइम। सबके सामने सबके साथ टाइम स्पेंड करना भी तो जरूरी है ना गाइस? ऑफ कोर्स जरूरी है। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बहाने फोन, रिलेटिव्स को फोन, आपके यहाँ क्या चल रहा है, तुम्हारे यहाँ पे क्या चल रहा है, फ्रेंड्स को फोन, तुम क्या कर रही हो, तू क्या कर रही है, तेरी कितनी पढ़ाई हुई, मेरी कितनी पढ़ाई हुई। सबको बोलना भी तो जरूरी है कि पढ़ाई करना जरूरी नहीं है बॉस। कौन इस टाइम पे ये करेगा, कौन इस टाइम पे कोर्सेज करेगा, कौन इस टाइम पे बुक्स पढ़ेगा, कौन इस टाइम पे कुछ प्रोडक्टिव चीजें करेगा। फिर बाद में जाके कौन रोएगा गाइस कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। अगर आज के दिन में मैं बुक्स पढ़ लूँ, कोई हॉबी परस्यू कर लूँ, तो बाद में जाके कौन रोएगा गाइस कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। तो एक सीए स्टूडेंट को मुझे इतना तो जस्टिफाई करना चाहिए, बाद में जाके रोना तो बनता है गाइस। तो शाम को न्यूज़ देखते देखते, फ़ोन करते करते आराम से टाइम पास कर लेते हो। एंड रात को मुझे नींद आने लगती है, दिन भर इतना काम किया हुआ रहता है, रात को बड़ी नींद आती है बॉस, बड़ी नींद आती है। आज अगर लेजी नहीं होगी तो कल 16 घंटे कौन पढ़ेगा? आज अगर मैं पढ़ने लग गई तो 16 घंटे बाद में नहीं पढ़ पाऊंगी, और अगर बाद में 16 घंटे नहीं पढ़ा तो मैं सीए स्टूडेंट कैसे कहलाऊंगी। ऐसे करते करते मेरा दिन बीत जाता है। आप भी इसमें से कुछ पिक करना है तो कर सकते हो, नहीं तो क्या, लाइफ तो चल ही रही है। क्योंकि टाइम पास करने में ना मुझे बड़ा मजा आता है गाइस, बड़ा बड़ा मजा आता है। आप भी ट्राई करके देखो, बहुत मजा आएगा आपको। यही कर रहे हो ना दिन भर, यही कर रहे हो ना टाइम पास? कितनी बार बोलूं गाइस आपको कि मत पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, 14 घंटे मत पढ़ो, 7-8 घंटे तो पढ़ो। वापस एग्जाम पोस्टपोनमेंट का वेट कर रहे हो, वही टाइम पास कर रहे हो, वही लेजीनेस दिखा रहे हो। कितने दिन गाइज, मैं आपको कितनी बार बोलूं, यूज दिस टाइम फॉर प्रोडक्टिव थिंग्स। बुक पढ़ो यार, कुछ बुक पढ़ो, कुछ कोर्स कर लो, कुछ हॉबी परस्यू कर लो, जो करना है करो, ऐसा टाइम वापस नहीं आएगा। चलो मान लो अगर आपको मन में लगता भी है कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाली है, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? दूसरी चीजें भी तो है करने के लिए। फिर अपन बोलते सीए स्टूडेंट की जिंदगी तो पढ़ते पढ़ते ही निकल जाती है। प्लीज गाइस, इट इज हाई टाइम। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि इट्स टाइम फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। ऐसा टाइम वापस नहीं मिलने वाला है। मुझसे बात करनी है तो यू कैन रजिस्टर फॉर द काउंसलिंग सेशंस यार। स्लॉट्स आर अवेलेबल फ्रॉम 15th।
ईमेल काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, किसी के लिए भी, वी कैन वर्क, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे वर्क कर सकते हैं अपन। सिर्फ स्टडी प्लान्स के लिए मत आओ मेरे पास, स्टडी प्लान्स के साथ साथ ब्रेक्स में क्या करना है, हाउ टू प्रोडक्टिवली यूटिलाइज दिस टाइम, सब प्लान करेंगे यार। ओके, तो स्टॉप वेस्टिंग टाइम, सीरियसली स्टॉप वेस्टिंग टाइम, दिस माय ओनली एडवाइस टू यू। ओके, या ऑल द बेस्ट, बाय।